आ गए सीएम भजनलाल। रविंद्र भाटी के समर्थकों की बात माननी ही पड़ी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान के राजनीति में रविंद्र सिंह भाटी अब एक बड़ा नाम बन चुका है, ऐसा नाम जिसको मिटाना अब नामुमकिन हो चुका है। इसलिए तो बीजेपी ने भी भाटी को सीरियस लेना शुरू कर दिया है और शायद सीरियस लेने के साथ साथ भाटी से डरने भी लगे हैं। तभी तो खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाटी के सामने अपने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को एक धमकी मिली थी, जिसके बाद से बवाल मच गया था। भाटी के समर्थकों ने भजनलाल सरकार के सामने मांग भी की कि इस मामले में एक्शन लिया जाए, तो वहीं भाटी के लिए सुरक्षा की मांग भी की गई थी। और अब देखिए ना, पहले तो भाटी को सुरक्षा देने का फैसला किया गया और अब तो भाटी को जिसने जान से मारने की धमकी दी थी उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घुटनों पर आ गए सीएम भजनलाल। कहा जा रहा है कि जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी को धमकी देने वाले को भजनलाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उससे यही दिख रहा है कि भाटी का खौफ और भौकाल ऐसा है कि भजनलाल को एक्शन लेना ही पड़ गया, क्योंकि लगातार भाटी के समर्थकों का दबाव बन रहा था। ऊपर से राजपूत समाज भी भाटी का समर्थन कर रहा था, इसीलिए भाटी के सामने भजनलाल को घुटने टेकने पड़े और भाटी के सामने भजनलाल को झुकना ही पड़ गया, क्योंकि जिस तरह से भजनलाल ने एक्शन लिया है उससे यही कहा जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, रविंद्र भाटी को धमकी देने वाले जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम मेघाराम है। मेघाराम बालोतरा में कपड़ों की दुकान में काम करता है और पुलिस ने उसको उसी कपड़े की दुकान से पकड़ा है। इसी ने भाटी की पोस्ट पर कमेंट करके जान से मारने की धमकी दी थी। इसने फेसबुक पर 2 से 3 फेक अकाउंट बना रखे हैं। मेघाराम ने रोहित गोदारा, कपूरी सर, मुकेश मेघाराम नाम से 3 फेसबुक अकाउंट बना रखे हैं। मेघाराम ने चालाकी से गूगल से गैंगस्टर रोहित गोदारा का फोटो डाउनलोड कर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया और इसी से भाटी को धमकी दी थी। राजस्थान तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इसको लेकर कहा है कि आरोपी से पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने खुलासा किया है कि उसके पास एक एंड्रॉयड फोन है जिसमें 2 सिम कार्ड लगे हैं, जिसमें 3 आईडी बना रखी गई है और इसी से सोशल मीडिया से गैंगस्टर रोहित गोदारा का फोटो डाउनलोड कर और फर्जी आईडी बनाकर आरोपी ने रोहित गोदारा की आईडी से धमकी दी। लेकिन जब मामला बढ़ने लगा तो उसने धमकी वाली पोस्ट डिलीट कर दी और फिर डर के कारण आईडी भी डिलीट कर दी। अब आपको मामला शुरू से समझा देते हैं। दरअसल मतदान के वक्त बाड़मेर में मारपीट हुई थी, जिसको लेकर भाटी बाड़मेर में प्रदर्शन कर रहे थे मतदान के बाद। उस दौरान ये लाइव चल रहा था फेसबुक पर, ये विरोध प्रदर्शन, और इसी लाइव में एक शख्स ने रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद बवाल मच गया था। इस पर भाटी ने कहा था, ऐसी धमकियां और थ्रेट कॉल्स पहले भी आते रहे हैं, जाके राखो साइया, मार सके ना कोई, बाकी 4 तारीख को रिजल्ट ऐतिहासिक होगा, रविंद्र भाटी को मिलेगी सुरक्षा। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर अब ये भी खबरें हैं कि उनको सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि धमकी मिलने के बाद से उनके समर्थक भाटी के लिए Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे थे और अब राजस्थान पुलिस ने पुलिस मुख्यालय में बैठक करने के बाद सुरक्षा देने का फैसला किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविंद्र सिंह भाटी को PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की सुरक्षा देने का फैसला किया गया, हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है अभी तक। अब जिस तरह से भाटी को सुरक्षा मिली और धमकी देने वाले के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उससे तो यही कहा जा रहा है कि बीजेपी का इतना भौकाल दिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि भाटी के लिए भजनलाल को एक्शन लेना ही पड़ गया और उनके सामने झुकना ही पड़ गया। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।